370 को लेकर के पूरे देश में बहस हुई। और मुझे याद है उस समय जब 370 को लेकर के लोकसभा में बहस हो रही थी, उस समय भी पार्टी के पक्ष में मैं खड़े होकर के बोल रहा था। उस समय जो सवाल खड़े किए गए थे केवल समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं, बल्कि अन्य दलों ने, और खासकर जो चुन करके आते हैं कश्मीर से, जम्मू से, उनके लीडर्स ने भी कुछ सवाल सरकार से पूछे थे। कई सवालों का जवाब सरकार नहीं दे पाई थी, कई अंतोगत्वा उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना पड़ा। आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई अब नई बात नहीं कही जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया, उससे पूरे के पूरे लोग अपना तर्क दे सकते हैं, लेकिन सहमत हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई बात बनती नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं या कुछ साथी हैं जो अभी भी ये सोचते होंगे कि उनकी जो जिस भावना से 370 लागू हुई थी, उस भावना के पक्ष में निर्णय नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब आ गया है, सभी उसको मानेंगे। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं सीमा की सुरक्षा को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी को सीमा की सुरक्षा को लेकर के और ठोस क्या फैसले उठाएंगे वो बताने पड़ेंगे देश की जनता को। क्योंकि इधर जब लद्दाख को लेकर के सवाल खड़े हुए थे और चीन अंदर आ गया था, और अभी भी वहीं बैठा है जहां पर उसको बैठना था, वो पीछे नहीं हटा है, तो प्रदेशों का बंटवारा हो गया, 370 हट गई, लेकिन चीन के लोग अंदर आ गए। कश्मीर और विधानसभा का डिलिमिटेशन को लेकर के जो सवाल खड़े हुए थे कि कुछ सीटें अभी भी खाली हैं, वहां समाजवादी पार्टी ने उस समय पूछा था कि जो सीटें खाली हैं वो कब भरी जाएंगी, क्योंकि पीओके आपका हिस्सा नहीं है, लेकिन आप उसको स्वीकार भी नहीं करते हैं, तो वो सीटें आज भी खाली हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में उन विधानसभा की सीटों को भरने के लिए कोई फैसला लेगी, और आखिरकार कैसे वो भरी जाएंगी, ये बड़ा सवाल है। तो 370 को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अब फैसले के बाद कोई कुछ नहीं कह सकता। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।